सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। वरुराज थाना क्षेत्र के अंडौर गांव में 35 वर्षीय महिला ने अपने पुत्र के साथ मिलकर अपने आसी की रेंगाड़ी से काट कर की हत्या। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सोमवार से जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को डे करने का दिया आदेश। और अब खबरें विस्तार से। वरुराज थाना क्षेत्र के अंडौर गांव में 35 वर्षीय औरत ने अपने पुत्र के साथ मिलकर अपने आसी की टेंगारी से काट कर हत्या कर दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर मां और बेटे को गिरफ्तार किया। 35 वर्षीय औरत ने अपने 14 वर्षीय पुत्र के साथ मिलकर अपने आसी को टेंगारी से काट दिया। यहां भी इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, काटने के बाद भी तख्ते से पीट पीट कर मार डाला। यह घटना शुक्रवार की देर रात वरुराज थाना के अंडौल गांव की है, जहां युवक को टेंगारी से काट काट कर हत्या कर दिया। मृतक की पहचान पड़ोस के ही जयचंद्र सिंह के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से धारदार हथियार, टेंगारी और काठ बरामद किया है, जिससे जयचंद्र सिंह की हत्या की गई थी। मृतक जयचंद्र के सिर पर कई जगह धारदार हथियार से वार होने के बाद बने जख्म के निशान मिले हैं। जिस महिला से मृतक जयचंद्र का अवैध संबंध था, उसने अपने 14 वर्षीय पुत्र अभिषेक के साथ मिलकर हत्या करने की बात कबूल की है। वहीं पुलिस ने मृतक के बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। इधर घटना के संबंध में मृतक जयचंद्र की मां ने बताया कि उसके पुत्र की हत्या टेंगारी से काट कर कर दिया। घर में अब गेला का तो उसे जाले आवाले तो बोल चल करे कर वाले केकरा से बोल चल करे लख लो बताइए बताइए किससे बोल चल माथा पर से हाथो हटाइए ना मो टगली ना रहले कितना दिन से उरे का संबंध रह लख हो ऐसा उ 6 दिन बाहर रह चल लख 6 दिन बाहर रह चल लख एने बड़ी दिन से घरे आके रह गए तो गाड़ी किन ले लख गाड़ी चलवे लख तो ठीके रह लख एने आते आते का हो गेल कान से भगवान जाने तहाँ जाई तहाँ गड़ी पर जाई आई तेंगे तब फोन कर कहाँ बार आवा ना आवा ना आवा ना गड़ी कौन बोला था वो है मोटा गड़ी। अच्छा दादी एगो बात बताओ, वो लोग के संबंध कितना दिन से रहला था? ये 6 महीना से। एकरा पहले कभी पंचायती में भेल रहे का? हाँ पंचायती में का भेल रहे? का भेल रहे कि वही अति भेल रहे मारा मारी पहले रहे। खाना बनाओ टंगरी लेके आला छुआ रसे ठकावा है कर काटा ओकरा इधर काटा ओकरा बाद घरवा में ढुकल रोटी लेके पीछे से ऐसे ना माने पीछे से ऐसे भेला ई के तक दम पे हो अलग से डाक दियो तो मुंह इतना पीले हो है चोर मारली है जितना सकली उतना मारली। कौन कौन मारे हैं आप लोग? पहले तो हम मारे, उसके बाद लड़का देखला का तेलंग से गला खटोर के और तू ये बरे से मारी ये तो चीत हो गया इतना नाता में रहा। अच्छा पहले तू कौन जी से मारे हैं? ये से मारे हैं हैं तखवा से मारे हैं। अच्छा आपका लड़का कौन जी से मारा है? इसी से। लड़का का क्या नाम है? अभिषेक। कै साल का है? 13 साल का। अच्छा जो माथा से जो कट गया है कौन जी से मारे हैं? इसी से मारा है ना 2-3 बार चलो तो हम ही मारे जितना दिन भर गाड़ी दिले रंडी रंडी हमारा के कम गाड़ी दिले बता के पहले साइकिल लगा के तलवार लेके आर लगा तो पिट लिया जितना सकली हो उतना हम पहले पिट लिया। ई तब मिलले चप्पल बता दिए इनका चप्पल आई गलत हो रहा कुछ करा रखा। क्या नाम है आपका? दीपा देवी। पति का नाम? अच्छा आप लोगों के बीच में कभी कुछ और बात था जो पंचायती में जाते हुए था? हाँ पहले बात था, उसके बाद माई बाबा लंग इसका पिटाई हुआ, कांच कांच फट्ठा चीर के सारा लोग मारा इसको। किस लिए? कि उसका दूर दरवाजा नहीं जाना है तो हम अपन सलट गए
ई आना जाना छोड़बे ना करता है, रोजा के गाली देता है, एको दिन ना गाना। आप लोग में प्रेम प्रसंग कैसे होगा? किसी से नंबर ले लिया ये, तो हम नंबर भी बदल दिए। इसके चलते कितना नंबर बदल? जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को सोमवार से डे करने का आदेश दिया। सोमवार से जिले के सरकारी निजी विद्यालय मॉर्निंग क्लासेज के बजाय डे हो जाएगी, जिसका औपचारिक आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर विमल ठाकुर ने पत्र जारी कर किया। अब सोमवार से सुबह 7 बजे के बजाय सभी स्कूल 9:30 बजे से हो जाएगा। शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि गर्मी की छुट्टी खत्म होने तथा मॉनसून के आने के बाद सरकारी और निजी स्कूलों को डे करने का निर्देश दिया गया है। पहले शनिवार तक प्रातःकालीन करने का आदेश दिया गया था गर्मी के कारण, लेकिन अब वर्षा वर्षा होने से अब स्थिति सामान्य हो गई है। रविवार से उर्दू विद्यालय अब डे हो जाएंगे और सोमवार से सभी विद्यालय डे ही चलेंगे। शहर में पानी की समस्या को देखते हुए नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने शहर के प्रमुख 4 पोखरों के जीर्णोद्धार की शुरुआत 3 पोखरिया से शुरुआत की। शहर में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने शहर के सभी पोखरों के जीर्णोद्धार की शुरुआत 3 पोखरिया से की। 84 लाख रुपए से 3 पोखरिया का सौंदर्यकरण किया जाएगा, जिसका विधिवत शिलान्यास मंत्री सुरेश शर्मा ने की। इस मौके पर प्रभारी मेयर मान मर्दन शुक्ला के साथ सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहे। 3 पोखरिया के घाटों की सीढ़ी निर्माण किया जाएगा, इसके अलावे पोखर के चारों ओर पेड़ लगाया जाएगा। मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि इसके अलावे ब्रह्मपुरा पोखर, साहू पोखर तथा महाराजी पोखर का सौंदर्यकरण एक साथ किया जाएगा। देखिए, पूरे बिहार में जल संकट उपस्थित हुआ है, शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक वाटर लेवल नीचे गया है, जिससे आम जनता को पीने की पानी की असुविधा हुई है। इसलिए बिहार सरकार ने पूरे शहरी क्षेत्र में जो भी पोखर है उनका उड़ाही कराने का निर्णय लिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह कार्यक्रम ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। चूंकि वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए शहरी क्षेत्र में जितने तालाब हैं, जितने पोखर हैं, जितना कुआं है जो डेड हो गया था, उसको पुनः रिनोवेट करके उसको गाद को निकाल करके वो सब चालू किया जाएगा। और ये चालू करने के सिलसिला में पहले से ही 3 पोखरिया, महाराजी पोखर, ब्रह्मपुरा पोखर और साहू पोखर, ये 4 पोखर का ब्यूटिफिकेशन करने का प्लान बहुत पहले से बना हुआ था और उसी के साथ इस काम को आज हम लोग शुरुआत कर दिए हैं। काम प्रारंभ आज हुआ है और इस पोखर को 3 पोखर जो है उसमें एक ही पोखर अब बचा है। पता नहीं हमारे गार्डियन राम सजीवन बाबू बताएंगे कि 2 पोखर कहाँ चला गया, लेकिन अब 1 पोखर भी नहीं है है उसको हम लोग गहराई इसका कराएंगे। इसके चारों तरफ घेरावा भी होगा, इसके चारों तरफ प्लांटेशन भी होगा, इसके इस पे सीढ़ी घाट भी बनेगा, इसके इसमें 84 लाख रुपया इस पर खर्चा करने का सरकार ने इसकी योजना और DPR बनाया है। इसके बीच में हम चाहते हैं कि एक पेडिस्टल बना करके उसमें किसी देवता का फोटो रहे, ताकि इसमें हमारे जनता जो है वो इसमें किसी तरह का गंदा नाली या गंदा इसमें नहीं फेंके और इसकी पवित्रता को मेंटेन रखे। सभी धर्म और छठ व्रती लोग आकर के यहाँ छठ करें और यह एक रमणीय स्थान है। इसमें अगल बगल में भी कोई जमीन अगर मिलेगा तो उसको भी बेहतरीन पार्क बनाने का हम निर्णय लेते हैं, जो यहाँ की जनता के ऊपर में है। हमको जितना जमीन देगा, हम चाहते हैं कि यह चारों तरफ सौंदर्यीकरण हो और इसमें पेड़ लोग लगावें। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ खास 5 पेड़ों का उन्होंने जिक्र किया है,
जिसमें नीम का पेड़, पीपल का पेड़, ये सब पेड़ लगाने का उन्होंने निर्णय लिया है। और इस पर भी हम कहेंगे आम लोगों को, जो यहाँ के संभ्रांत और जो परिवार के लोग हैं, वह एक एक पेड़ घेरावा के अंदर लगावे और उसका घेरावा बना के दे। वह अपने पिताजी के नाम पर, अपनी माताजी के नाम पर, अपने पूर्वज के नाम पर वह पेड़ का बोर्ड लगाया जाएगा और उस पर वह हर दिन उनके परिवार का लोग जा करके अगर उसमें पानी पटा देगा तो इससे पर्यावरण जो आज दूषित हो रहा है उसमें भी सुधार होगा और यह पोखर के रिनोवेशन से जल स्तर मेंटेन होगा, क्योंकि यह पूरे विश्व में जल का संकट उपस्थित हुआ है और बहुत देश में तो पानी पीने का भी नहीं मिल रहा है। हम समझते हैं कि बिहार इस मामले में अभी तक, सौभाग्य है बिहार को जो यहाँ जल है, और जल एक बहुत बड़ी पूंजी है, इसको हमको बचा के रखना है। इसलिए आम हमारे भाइयों से, आपके माध्यम से इस बात को हम जागृत करना चाहते हैं कि वो पानी को बचावे, पानी का संचय करे, पानी का अपव्यय नहीं करे और उससे उसका उपयोग करके जल स्तर को मेंटेन करे, नहीं तो आगे भविष्य में जलवायु खराब होगा और पेड़ पौधे सूखने लगेंगे तो आदमी का जीना, ऑक्सीजन की कमी होगी। इसलिए पौधे लगावे, जल संचय करे, आज का इसी के लिए इस पोखर का आज सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जिला भाजपा के सभी संगठनों ने संयुक्त रूप से जिले में सदस्यता अभियान रेड क्रॉस से शुरू की। जिला अध्यक्ष, मंत्री समेत सैकड़ों शामिल हुए। जिला रेड क्रॉस सभागार में भारतीय जनता पार्टी के सभी विंग ने संयुक्त रूप से जिले में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राम सूरत राय, मंत्री सुरेश शर्मा, सांसद अजय निषाद समेत जिले के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। जिले में भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान के तहत 1.25 लाख नए सदस्य को जोड़ना है। इस मौके पर मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि सदस्यता अभियान के तहत जिले के सभी क्षेत्रों से 1.25 लाख से ऊपर नए सदस्य को जोड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में भाजपा का संगठन और मजबूत होंगे। आज 6 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत नरेंद्र भाई मोदी से लेकर के और मुजफ्फरपुर के जितने MP हैं, जितने हमारे सांसद हैं, जितने हमारे विधायक हैं, ये सब लोग और जितना हमारा जिला के अध्यक्षगण हैं, ये सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान के लिए आज शुरुआत किया गया है। और यह सदस्यता अभियान मुजफ्फरपुर का 1,10,000 सदस्यता बनाना है, इसका संकल्प पूरे मुजफ्फरपुर के हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं ने लिया है। हम समझते हैं कि हमारी पार्टी बहुत मजबूत भारतवर्ष में है, लेकिन इसको और मजबूतीकरण करने के लिए यह अभियान चला है। हम अमित शाह जी को इस बात के लिए धन्यवाद और उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को प्राप्त है। यह सदस्यता अभियान सफल होगा और भारतवर्ष ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी, इसका शुरुआत आज पूरे देश में हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन का ये महापर्व का शुरुआत किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसकी शुरुआत की। उसी संदर्भ में हम जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरे बिहार प्रदेश में सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने जिला से इसका अभियान शुरू कर रहे हैं, जो हम लोगों ने भी किया है। और इस संगठन के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और अधिक सदस्यता अभियान करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज हम लोग और अधिक से अधिक कैसे करें। हमारे परिवार में, हमारे भाजपा परिवार में सभी वंच समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति के लोग समाहित हो और एक आईना के रूप में हमारी पार्टी काम करती है। बिना परहेज किए हुए सभी झुग्गी झोंपड़ी, सभी धर्म, सभी समाज जाकर के सदस्यता अभियान आज से चलाएंगे। और हमारे मोर्चा के सभी पदाधिकारी का
अलग अलग समय आवंटन किया गया है और सभी हमारे एक एक जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वे सभी लोग निकलेंगे और जो हमारा टेन्योर है फिक्स है टेन्योर के अंदर जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, यही हमारी शुभकामना है। सदर अस्पताल में वर्षों से बंद पड़े पोषण पुनर्वास केंद्र को अधीक्षक के पहल से नई शुरुआत की गई। पहले दिन 4 कुपोषित हुए भर्ती। सदर अस्पताल में वर्षों से बंद पड़े पोषण पुनर्वास केंद्र को अधीक्षक मेहंदी हसन के पहल से फिर से आज शुरू किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि पोषण पुनर्वास केंद्र है, यहाँ गरीब परिवार के कुपोषित बच्चे की भर्ती की जाती है, जहाँ डॉक्टरों द्वारा समुचित इलाज के साथ समय समय पर पौष्टिक भोजन दिया जाता है। लंबे समय से सदर अस्पताल में यह केंद्र बंद था, जिसे आज विधिवत चालू किया गया। सदर अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि इस केंद्र में 2 डॉक्टर तथा 6 नर्स कार्य कर रही है। अभी कुल 4 कुपोषित बच्चे भर्ती है, जिसे बेहतर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर के यहाँ पेडिट्रिशियन की कमी है, मात्र एक ही पेडिट्रिशियन है, लेकिन फिर भी हम लोग और भी कुछ लोग हैं उनसे मिला उला के काम चला रहे हैं, उसके लिए लिखा गया है और पेडिट्रिशियन की मांग की गई है। तो बच्चों के परिजनों का कहना है कि टाइमली डाइट वगैरह उनको नहीं मिलता है? नहीं, बस बच्चों के परिजनों से तो आपकी बात हुई है, लेकिन हमारी जो बात हुई है उनको वक्त डाइट भी मिलता है, बच्चों को दूध भी मिलता है और उसको बेटर जो है मैनेजमेंट करने के लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। और वहाँ चूँकि महज अभी बच्चे बहुत कम हैं, 6 ही बच्चे हैं या 6-7 बच्चे हैं, तो उनके क्षेत्र से बच्चे जो आते हैं उसमें हैं और उनका इमरजेंसी या फिर कोई करने के लिए पूरा इंतजाम। सर, नियमता बेड के हिसाब से कितने डॉक्टर और नर्स वगैरह होने चाहिए वहाँ पे? अभी तो जो नर्स नहीं, आज 2 और मेरे यहाँ क्षेत्र से आई है। हमारे यहाँ कितना नहीं, टोटल रहने के लिए पूछ रहे हैं नर्स हम लोगों को मिनिमम 8। सर, डॉक्टर 2 कुक चाहिए, डॉक्टर भी 4 चाहिए। सर, अभी अवेलेबल कितना है? सर, अभी तो मतलब अभी 1 ही है। तो इस सब के बावजूद सर, इस वर्ष इतने बच्चे मरे हैं, उसके बावजूद भी सदर अस्पताल का ये हाल है, क्या कहेंगे? यहाँ बच्चे कोई जो है ए कोई नहीं मरा है और बच्चों के जो बाहर से क्षेत्र से कहीं ना कहीं सर कुपोषित तो एक मामला सामने आया है। कुपोषण तो बच्चे बहुत हैं क्षेत्र में, जो अस्पताल में आते हैं उनका इलाज मुकम्मल तरीके से किया जा रहा है। वहीं सदर अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र खोले जाने के बाद भर्ती हुए बच्चों के परिजन काफी खुश है और अधीक्षक के पहल की सराहना की। 25 तारीख से क्या हो रहा है बच्चे का? बच्चे 2.5 साल के हो गए, वो चल नहीं पा रहे हैं, सही से पोषण नहीं मिल पा रहा। क्या समय पे डॉक्टर आते हैं? समय पे नर्स उर्स आते, 2 टाइम चेक करते हैं, बुखार सिर्फ या विटामिन दिया जाता है, इसके सिवा कुछ नहीं। दूध डॉक्टर नहीं आते हैं? डॉक्टर नहीं आते। खाना वगैरह? खाना बच्चे को कभी 3 टाइम कभी 4 टाइम दूध मिलता है, खिचड़ी मिलता है 2 टाइम। जो रूटीन है उसके हिसाब से मिलता है खाना? नहीं। इसका शिकायत नहीं किया आपको कहीं? करते हैं, मैनेजर को बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मिलेगा मिलेगा, लेकिन मेस आती है जो कुक है यहाँ का, वो सिर्फ दूध चाय बनाकर चले जाते हैं और खाना उना यहाँ पर नहीं बनता। अच्छा, यहाँ मीडिया लोग भर्ती किए थे तब कहे थे कि हर चीज़ सुविधा मिलेगा, बाकी सुविधा नहीं। क्या दिक्कत होता है? दिक्कत होता है कि टाइम से खाना पीना ना मिलता है और टाइम से बाबू के दूध न मिलता है, तो जाते हैं मैनेजर साहब का तो कहते हैं तो वे 2-3 घंटे के बाद। कितने डॉक्टर और नर्स वगैरह आते हैं वार्ड में? नर्स आते हैं, डॉक्टर डॉक्टर नहीं आते, एक लेडीज डॉक्टर नहीं आती है 10 बजे, एक बाद कोई नहीं। क्या हो रहा है बच्चे को? क्या हो रहा है बच्चे के लिए? कुपोषण वाला है बच्चे को मैडम आती हैं तो बच्चे को राउंड पे जाती हैं, मैडम को दिखती हैं और उसके बाद बच्चे के अनुसार उसके बाद वेट लिया जाता है बच्चे को, वेट लिया, पल्स लिया जाता है, हाइट लिया जाता है बच्चे को, और उसके बाद मतलब कि मैडम आती है तो बच्चे को अनुसार दवा हुआ चलता है। क्या शेड्यूल वगैरह क्या है? कितने डॉक्टर अभी हैं, कितने नर्सेज हैं? 2 डॉक्टर हैं, 6 नर्स हैं। अच्छा, डॉक्टर कितने बार विजिट करते हैं 24 घंटे में? 24 घंटे में सुबह को मैडम आती हैं और सर आते हैं, 4 बार सर आते हैं। क्या खाना वगैरह शेड्यूल के हिसाब से मिलता है? जी सर। क्या है शेड्यूल उसके खाना का? शेड्यूल है जैसे हम देखे हैं, सुबह को दूध मिलता है,
और दूध सुबह को दूध मिलता है, उसके बाद हलवा मिलता है, खिचड़ी मिलता है, दलिया मिलता है, केला मिलता है। क्या अभी कितने बच्चे भर्ती हैं यहाँ पे? चार, पांच थे अभी डिस्चार्ज। क्या आपको नहीं लगता है कि जो बेड है अस्पताल में उसके अनुसार डॉक्टर या नर्सेज वगैरह नहीं है? कमी तो है, डॉक्टरों की कमी है। हाँ, डॉक्टर की कमी है, एनएम की भी कमी है। अभी हम लोग 8 घंटा की जगह पर 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। आज ज्वाइन किए हैं तो जैसे बच्चे के परिजन भी शिकायत कर रहे थे कि समय से मतलब खाना नहीं मिलता, समय से डॉक्टर वगैरह नहीं आते। नहीं सर, ये तो गलत बोलती है। जैसे कि देखिए, सुबह को लोग को ब्रेड मिल जाता है, दूध मिल जाता है, उसके बाद सुबह को नाश्ता में ब्रेड दूध अंडा मिल जाता है, उसके बाद खाना में इन लोग को दाल चावल दो रंग का सब्जी मिलता है, रात को सब्जी और रोटी इन लोग को मिलता है, दो रंग का सब्जी रोटी मिलता है, खिचड़ी मिलता है बच्चे को। इस वर्ष आपने देखा होगा कि इतने बच्चे मरे हैं, इसके बावजूद भी डॉक्टर और नर्सेज की कमी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो कहेंगे कि जरूरत है डॉक्टर नर्स को, यहाँ पे जरूरत है, हम नहीं ना कर सकते हैं कि यहाँ और बहाली होना चाहिए, सरकार की तरफ से चाहिए। शहर में बढ़ते सड़क दुर्घटना को देखते हुए MBI और नगर थाना की पुलिस संयुक्त रूप से शहर के प्रमुख जगहों पर वाहन जांच अभियान चलाया। शहर में बढ़ते वाहन दुर्घटना को लेकर मोतीझील ओवरब्रिज पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। MBI और नगर थाना ने संयुक्त रूप से वाहन जांच कर लोगों को हेलमेट और सिर बेल्ट नहीं लगाने पर चलान काटा और लोगों को इनके महत्व से भी अवगत कराया। MBI के अधिकारी ने बताया कि लगभग 50 लोगों का चलान काटा गया है और प्रत्येक शनिवार को शहर में यह अभियान आगे भी चलाया जाएगा। साल में हम लोग हेलमेट चेकिंग अभियान परिवहन विभाग के निर्देशन से चलाते हैं, आज उसी का अभियान हम लोग कर रहे हैं। हम हमारे साथ CSI अभी तक कितना चलान चला है कि 35 से 40 चलान कट चुका है, आगे भी जारी रहेगा। अभी तो जारी है। वही चलान कटवाने के बाद कई वाहन चालकों ने आगे से हेलमेट और सिर बेल्ट लगाकर वाहन चलाने की कसम खाई। क्यों बचल करने के सुरक्षित जगह सीट बेल्ट क्यों दिया? जस्ट अभी चलन कंपनी क्यों दिया है सीट बेल्ट? जस्ट की क्या मतलब? व्हाट इज जस्ट का क्या मतलब होता है? सॉरी उड़ी नहीं, सीट बेल्ट का फाइन कराएंगे पहनते हैं, बात ये ना कहेंगे मुझे जो है ना इसमें बहुत साफ भरा हुआ है। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पाथ चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग
लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे, वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, NEET और AIIMS जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। यही मेंस में मुझे 98% डायल आया है, इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस का को थैंक यू बोलना चाहूँगा। क्योंकि इसने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है, मुझे 95.49% आई लाया है JEE मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, इसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम विधि कुमारी है और JEE मेन 2019 में 94.6% आई लाया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे JEE मेंस 2019 में 94.3% आई लाया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट सरैयागंज या मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर में। ऑरेंज वैली स्कूल प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5 बीबीगंज मुजफ्फरपुर। हाई क्वालिटी एकेडमिक एनवायरमेंट, क्वालिफाइड टीचर्स एंड वेल मैनेजमेंट। Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom, lab, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extra curricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल बीबीगंज मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर वन प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशन है और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं।
For more details, please contact 9122111938 7296095790. अगर आप फैशन की दुनिया में अपने आप को अलग लुक देना चाहते हैं तो आप चिंता ना करें। आपके इस समस्या को दूर करने के लिए खुल गया है आपके अपने शहर में संस्कार जेंट्स ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ बाहर के कारीगरों द्वारा कुशल काम किया जाता है। सभी प्रकार के हेयर कटिंग, हेयर कलर, ब्लीच, फेशियल, शेविंग, हेयर डिजाइनिंग तथा मसाज भी किया जाता है। यही नहीं, शादी के शुभ अवसर पर दूल्हे को सजाया भी जाता है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है संस्कार जेंट्स ब्यूटी पार्लर, राजमीना मार्केट, आम गोला रोड, अघोरिया बाजार, मुजफ्फरपुर। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 9798634075। यहाँ पे बाहरी कारीगर द्वारा जो भी है वो आधुनिक तरीका से सेटिस्फेक्शन जो कस्टमर का हो सके वो हम देंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम चाहेंगे कि प्रोवाइड करवावे सुविधा, ताकि वो खुश हों और हमारे यहाँ बार बार आने का उनका मौका मिले। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बगलामुखी मंदिर में अखंड भारत पुरोहित महासभा द्वारा वृक्षारोपण के कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों पौधे लगाए। अखंड भारत पुरोहित महासभा द्वारा माता बगलामुखी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि वृक्षों के अत्यधिक कमी से तापमान में वृद्धि, वर्षा में कमी के साथ साथ कई बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिस कारण अखंड भारत पुरोहित महासभा ने सभी मंदिरों में फलदार पेड़ों को लगाने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत माँ बगलामुखी मंदिर से किया गया। हम लोग अखंड भारत पुरोहित महासभा के द्वारा पौधरोपण किए हैं, जो कि प्रदूषण इतना अधिक बढ़ते जा रहा है, किसी का वृक्ष पर जो है ध्यान नहीं। हम लोग जो है लगातार 5 से 7 वर्षों से लगातार हर मंदिर पर अभियान चला करके पौधरोपण हम लोग कर रहे हैं। एलएनटी कॉलेज में भारत तिब्बत मैत्री संघ ने बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के 64वें जन्म दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया। एलएनटी कॉलेज के सभागार में भारत तिब्बत मैत्री संघ के द्वारा बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के 84वें जन्म दिवस के अवसर पर तिब्बत मुक्ति साधना के 60 वर्ष विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भारत और तिब्बत के संबंध पर प्रकाश डाला। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर संगोष्ठी का आरंभ हुआ। संगोष्ठी में संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विकास नारायण सिंह, एलएनटी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, रमेश चंद्रा, रंजन कुमार मिश्रा सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। जो कार्यक्रम भारत तिब्बत मैत्री संघ की ओर से आयोजित है, यह दलाई लामा जी के 84वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित की गई है एलएनटी महाविद्यालय में, और इस पे एक भारत तिब्बत मैत्री संघ ने एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया है, जिसका मुख्य विषय है कि भारत में जो हम लोग सहयोगी हैं वो 60 वर्ष हो गए हैं तिब्बत के परतंत्रता के, उसको कितने दिन तक इस तरह से ढोया जाएगा, इसी विषय पर संगोष्ठी की जा रही है। इसमें युवा कार्यक्रम के जो भी भारत तिब्बत मैत्री संघ के साथीगण हैं सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, और वो लोग अपनी बातों से लोगों को बता रहे हैं कि भारत तिब्बत मैत्री संघ से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और तिब्बत के स्वतंत्रता के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें दलाई लामा जी को के हम लोग दीर्घायु की भी कामना कर रहे हैं, और उनके बताए गए रास्ते पर चल करके तिब्बत मुक्ति साधना की भी बात करने की चर्चा यहाँ सारे विद्वान साथीगण और भारत तिब्बत मैत्री संघ से जुड़े हुए हमारे साथी कर रहे हैं। खुदीराम स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा ने अमर सेनानी शहीद वारिस अली तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी
शहीद वारिस अली की 160वीं शहादत दिवस पर पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की 33वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मोर्चा के सदस्यों ने दोनों महान स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। नागरिक मोर्चा के संस्थापक ने कहा कि एक दलित परिवार में जन्म लेकर अपने कार्य कौशल के बल पर राष्ट्रीय राजनीति में छा गए। वे 30 साल तक देश के केंद्रीय मंत्री रहे। दलितों के मसीहा के रूप में जगजीवन राम हमेशा याद किए जाएंगे। सेनानी अमर शहीद वारिस अली कि आज 162वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन महान देशभक्त को फिरंगी सरकार ने फांसी के तख्ते पर लटका दिया था। भारत के राजनीतिज्ञ में सबसे लंबे समय तक सांसद और केंद्र में मंत्री रहने वाले एकमात्र राजनेता बाबू जगजीवन राम की आज 33वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 6 जुलाई 1986 को बाबू जगजीवन राम का निधन हुआ था। राष्ट्र ऐसे युग पुरुष को हमेशा नमन करता रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में बाबू जगजीवन राम ने कंधे से कंधे मिलाकर। वार्ड नंबर 26 के विकास समिति के सदस्यों ने वार्ड एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नमल किशोर प्रसाद सिंह का स्वागत किया। नया टोला के निजी लॉज में वार्ड नंबर 26 के विकास समिति के सदस्यों ने वार्ड एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नमल किशोर सिंह के सम्मान में सभा का आयोजन किया। इस दौरान नमल किशोर सिंह को विकास समिति के सदस्यों ने माला पहना कर सम्मानित किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि 26 वार्ड के यह रहने वाले हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद जीतने के बाद वार्ड का नाम रोशन किया है। यह आज का यह सम्मान समारोह मोहल्ला का जो वार्ड नंबर 26 है उसके द्वारा आयोजित किया गया हुआ, और यह हमारे जो वकील साहब हैं नवल किशोर प्रसाद सिंह, ये जो है इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो है जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित हुए हैं, और ये हम लोग के मोहल्ला के शान है। मोहल्ला के बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में इनका नाम आता है, इसलिए हम लोग ने आज ये सोचा कि मोहल्ले के तरफ से, नगर के तरफ से इनका हम लोग सम्मान करें, और इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग भी आए हैं, बड़ी खुशी। प्रखर समाजवादी नेता, गरीबों मजदूरों की आवाज हरि नारायण सिंह जी के निधन पर पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती ने गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि श्री सिंह मजबूत जीवन के नेता थे। उनके निधन पर मुजफ्फरपुर वासी काफी मर्माहत है। प्रखर समाजवादी नेता हरि नारायण सिंह जी का निधन से मुजफ्फरपुर के लोग काफी मर्माहत है। हरि नारायण सिंह के निधन से पूरे मुजफ्फरपुर के लोग दुखी हैं। हरि नारायण सिंह लंबे समय तक मुजफ्फरपुर के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में एक मजबूत योद्धा के रूप में संघर्ष करते रहे हैं। यहाँ फुटपाथ दुकानदार, गरीब, सब्जी बेचने वाले का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इनकी कमी हम लोग की महसूस होगी। हम उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हैं। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।